राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच की तल्खी 23 नवंबर को एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक में गहलोत और पायलट एक बार फिर दूर दूर बैठे दिखे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों नेताओं ने आपस में बात भी नहीं की। इसके अलावा सचिन पायलट मीटिंग खत्म होने से पहले ही वहां से चले गए। बता दें कि राजस्थान में 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद पहली बार दोनों नेता किसी इवेंट में एक साथ पहुंचे थे। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में विसंगति के मसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई एक बैठक के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि ओबीसी के नौजवानों की मांग जायज और सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। बता दें कि गहलोत कैबिनेट की बैठक बुधवार शाम 5 बजे होनी थी, जिसको लेकर माना जा रहा था कि इस मसले पर कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन अब कैबिनेट मीटिंग स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद 24 नवंबर को शाम 5 बजे बैठक होना प्रस्तावित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक मुरलीपुरा थाने इलाके में एक युवती पर अज्ञात लोगों ने गोलियां बरसाई है। बताया जा रहा है कि अंजलि नामक युवती अपने पति के साथ ऑफिस जा रही थी, इसी दौरान कुछ स्कूटी सवार अज्ञात लोगों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं फायरिंग के बाद युवती को स्थानीय लोगों की मदद से सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही SHO मुरलीपुरा मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस की तरफ से चिन्हित कर लिया गया है। राजस्थान के कोटा में एक रेलवे अधिकारी की ट्रांसफर पार्टी में जाम छलकने और DRM द्वारा गाना गाने का मामला सामने आया है। गुरुवार आधी रात के बाद तक चल रही इस पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ऑफिसर क्लब में मिशन हाई स्पीड में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पद पर कार्यरत अभिमन्यु सेठ का ट्रांसफर दिल्ली होने पर शराब पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां रेलवे के अधिकारियों ने देर रात जमकर शराब का सेवन किया और खूब नाच गाना हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर माह के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। इस यात्रा को लेकर आज से राजस्थान कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए आज PCC कार्यालय पर वार रूम में बैठक किया गया। वहीं इस बैठक में सीएम गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के अलावा राजस्थान कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। जयपुर के प्रताप नगर इलाके से कांग्रेस नेता गोपाल सिंह केसावत की बेटी के अपहरण के मामले में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि सोमवार शाम करीब 5:30 बजे अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकली अभिलाषा का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस नेता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इसके अलावा अपने समर्थकों के साथ शहीद स्मारक पर धरना भी दिया। एक तरफ जहां कांग्रेस राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं राजस्थान BJP ने भी गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर जन आक्रोश रैली की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि जयपुर में आयोजित BJP की एक बैठक में 200 विधानसभाओं के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। इसके अलावा 1 दिसंबर से 200 विधानसभाओं में प्रचार रथ के साथ जन आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। अजमेर जिले से एक युवक द्वारा सेना भर्ती में फर्जी तरीके से शामिल होने का मामला सामने आया है। बता दें कि ओवर एज होने के कारण युवक ने खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया और डेथ सर्टिफिकेट तक बनवा लिया। इसके बाद आधार कार्ड में नाम बदलवा कर 10वीं की परीक्षा भी दोबारा दी। वहीं युवक जालसाजी करके सेना में भर्ती होने में भी कामयाब हो गया। फिर भर्ती के बाद सेना में ट्रेनिंग के बाद महीने के 45,000 से 50,000 रुपए का वेतन लेता रहा, लेकिन रक्षा मंत्रालय की एक चिट्ठी ने उसका पूरा राज खोल दिया, जिसके बाद सेना ने तुरंत उसे बर्खास्त कर दिया। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बार फिर विरोध के स्वर उठने लगे। पायलट गुट के विधायक और मंत्री राजेंद्र गुड़ा और इंद्राज गुर्जर ने आज जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि बैसला को विरोध करना है तो सरकार का विरोध करे। इसके अलावा विजय बैसला सचिन पायलट और गुर्जर समाज को बदनाम करने की कोशिश ना करें। We'll be right back.